तिरुपाणी स्टोर में शुरू हो चुकी है एक नई कहानी, जहां पर शिवा और देव में तो कंपटीशन शुरू होगा ही। रावी खुशखबरी सुनाकर पूरे ही खेल पलटते नजर आएगी। देखने को मिलेगा कि अब रावी शिवा को चाहती है कि वो फिर से पढ़ाई शुरू करे और उसमें मदद कोई और नहीं रावी ही करने वाली है। रात दिन एक करके वो शिवा को बड़ा आदमी बनाना चाहती है। इसी दौरान एक और बड़ी खुशखबरी घर वालों को मिलेगी और वो होगी रावी की प्रेगनेंसी की खबर, जिसमें गोमी और धरा दोनों ही अब इन दोनों का ध्यान रखते नजर आएंगे और देखने को मिलेगा कि वो उनको समझाते भी नजर आएंगे कि वो जो भी करना चाहे जिंदगी में वो कर सकते हैं और शिवा की पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और रावी उसकी मदद करने वाली है। देखने को मिलने वाला है किस तरह से अब ऋषिता और देव ने एक नया डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू कर दिया है जनार्दन के भड़काने पर, और शिवा और देव के बीच में एक तरह का कंपटीशन शुरू हो चुका है, जिसके चलते वे शिवा को काफी ताने भी सुनने को मिलेंगे ऋषिता से और जनार्दन के परिवार से। लेकिन यहाँ पर शिवा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और अब वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन वो अब रावी का साथ पाकर और पूरे परिवार का साथ पाकर काफी खुश है। वही रावी खुशखबरी जल्दी ही घर वालों को सुनाती नजर आएगी कि वो भी प्रेग्नेंट है, यानी घर में एक नहीं दो दो नन्हे मेहमान आने वाले हैं और यहाँ पर धरा की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर शिवा और रावी धरा से वादा करते हैं कि वो दोनों ही नहीं, धरा और गौतम भी पेरेंट्स बनने वाले हैं, कि ये बच्चे पर जितना हक उन दोनों का होगा उतना ही हक गोमी का और धरा का भी होगा। ये सब कुछ देखकर पूरा परिवार काफी इमोशनल हो जाएगा और रावी और शिवा की ये कुर्बानी एक बार फिर से घर वालों का दिल जीत लेगी।